दलित दस्तक मासिक पत्रिका को भी सब्सक्राइब करिए। सब्सक्रिप्शन का सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक दलित दस्तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर भी करें। सर, आप का एक लंबा सानिध्य रहा है शांति जी के साथ, कई मंचों पे आप साथ रहे हैं, बुद्धिज्म को लेकर आप लोगों की चर्चा होती रही, वो अधाचार्य थे, आप खुद बनते हैं, कैसे याद करते हैं? उनका नहीं रहना कितनी बड़ी क्षति है समाज की, और आप उनके पूरे योगदान को कैसे देखते हैं? अशोक जी, सबसे पहले मैं आपको बहुत धन्यवाद देता हूँ। देश में जो भी कुछ अच्छे कार्य हो रहे हैं, जो भी आंदोलन हो रहे हैं, उसमें आपकी भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। और मैं दलित दस्तक का भी बहुत आभार ज्ञापित करता हूँ कि विगत कई वर्षों से लगातार बहुजन आंदोलन से संबंधित वंचित समाज की आवाज़ बनता रहा है। जहाँ तक शांति जी की बात है, मैं उनके दूसरे पुण्यतिथि पर अपनी श्रद्धांजलि भी ज्ञापित करता हूँ। और मैं ऐसा मानता हूँ कि एक जो साहित्यिक क्रांति हो रही थी, जो सांस्कृतिक क्रांति हो रही थी, वो शांति जी के जाने के बाद रुक गई है। मैं पहले भी बहुत सारे लोगों से कहता था, बहुत सारे लोग हमसे मिलते थे जो शांति जी के प्रति या उनके कार्यों से घबराते थे। वो हमसे कहते थे कि कुछ न कुछ कमी निकालते रहते थे लोग। मैं उन लोगों से कहता था कि जिस दिन आप शांति स्वरूप जैसा काम कर लीजिए, उनका जैसा पब्लिकेशन बना लीजिए, उनकी जैसे उनका जितना अनुवाद कर लीजिए, लिख लीजिए, छाप लीजिए, और उसके बाद आप शांति जी की आलोचना हमारे सामने करिएगा, तो हम सुनेंगे। जब तक नहीं करते तब तक नहीं सुनेंगे आपको। तो आज एक बहुत कह सकते हैं बहुत गैप आया है और वो भरता हुआ नहीं दिख रहा है। 2 साल व्यतीत हो गए, देश में कोई ऐसा साहित्यकार आगे नहीं आ रहा कि हम इस कमी को पूरी करेंगे। बहुत सारे संगठन के लोग हैं, बहुत सारे आंदोलन से जुड़े व्यक्ति लोग हैं, लेकिन वो सामने नहीं आ रहे हैं कि हम इस कार्य को करेंगे। तो ऐसा लगता है कि ये देखने के बाद लगता है कि कितना कठिन कार्य कर रहे थे, कितना महत्वपूर्ण कार्य कर रहे थे, और अभी तक तो हमको दिखता नहीं कि कोई कर रहा है या करेगा। तो शांति जी की बहुत कमी खल रही है। अगर शांति जी अभी होते तो हो सकता है हमारे पास 10-20 ग्रंथ और आ गए होते, हमारे साहित्य में एक और महत्वपूर्ण ग्रंथ जुड़े होते। तो शांति जी का जाना बहुत बड़ी क्षति है, उसको भरा नहीं जा सकता है। और मेरा तो व्यक्तिगत उनके वर्षों से संबंध रहे हैं। कुशीनगर में मैं बहुत छोटा सा था, 12-13 साल का था, मैं श्रामनेर था, तभी से मेरा संबंध रहा। बाद में मेरा मंची जीवन उनके साथ बहुत रहा, और सारनाथ सेंटर में भी उनका बहुत बड़ा योगदान है। शांति जी एक बार, बहुत सारे उनके साथ संस्मरण है मेरे, एक संस्मरण जो मुझे नहीं बोलता है, एक बार परिवार में थोड़ा सा कुछ इन लोगों में बच्चों में कुछ आपस में कुछ विवाद हुए थे, मतभेद हुआ था, तो शांति जी अचानक सारनाथ पहुंच गए। हमको सुबह सुबह 7 बजे फ़ोन किए, कह रहे बंटी जी आप बता सकते मैं कहाँ पे हूँ। हमको लगा कि शांति जी ऐसे पूछ रहे, लग रहा सारनाथ में ही है। हमने कहा आप सारनाथ में हैं, तो कह रहे आपको कैसे पता। हमने कहा कि आपकी भाषा बता रही आप सारनाथ में हैं, तो सारनाथ आ गए। आने के बाद उनको हमने कहा कि आप बिना बताए और अकेले कैसे आए, क्यों आए, तो कह रहे हैं कि भंती जी बैठकर बात करेंगे, पहले मुझे नहाने धोने की व्यवस्था कर दीजिए। मैंने वो सब किया, तो कह रहे हैं कि मेरे किसी भी जानने वाले का फ़ोन आएगा मत बताए कि मैं सारनाथ में हूँ। उसके बाद एक आध दिन रहे, फिर कपिल उपिल परेशान होने लगे, तो खैर बता दिया गया कि आप निश्चिंत रहिए, शांति जी को लेकर परेशान मत होइएगा। अगले दिन कपिल जी और पूरा परिवार सारनाथ गया, उनको मना करके लेकर के आया। मैं बीच में कई बार दिल्ली आया, तो उनसे कहते थे कि आप सारनाथ कब चल रहे हैं, तो कहते थे मैं बड़ा व्यस्त हूँ, तो मैं मजाक में कहता था नाराज़ होकर के चले जाइए। तो ऐसे बहुत सारे संस्मरण शांति जी के साथ जुड़े हैं, और उनका जो साहित्यिक योगदान के साथ साथ जो सांस्कृतिक योगदान है, और जो यूथ को आगे बढ़ा रहे थे, वो भी आजकल कोई बढ़ा नहीं रहा है। बातें तो बहुत बड़ी बड़ी हो रही हैं,
लेकिन उस दिशा में इस क्षेत्र में नहीं काम हो रहा है, तो शांति जी की बहुत कमी खलती है और क्या कहा जाए, शब्द नहीं उनके लिए।